गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की विस्तृत विवेचना. ठीक है, डिस्कस इन डिटेल द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. सबसे पहले हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे ना वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कब इसका गठन हुआ था, कब बनाया गया था, क्या है ये सब. उसके बाद रहेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, प्रिंसिपल्स एंड नीड एंड इम्पॉर्टेंस. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने से पूर्व उसका जो ढांचा होता है या गठन प्रणाली होती है उसके बारे में जानना हमें अति आवश्यक होता है. ठीक है, तो देखिए सभी, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी राष्ट्रों की तरह भारतवर्ष में भी एक ऐसे पाठ्यक्रम की परिकल्पना की जाती रही है जो कि शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके. भारत में अनेक भाषाएं, धर्म, जातियां तथा संप्रदायें प्राचीन समय से ही पाई जाती रही है. ऐसे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की आवश्यकता सदा से ही अनुभव की जाती रही है. इस संदर्भ में सर्वप्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नीति सन 1986 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के केवल एक ही उद्देश्य था, वो यह कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना की आवश्यकता एवं महत्व को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जा सके. इस सुझाव के परिणाम स्वरूप 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संरचना प्रस्तुत की गई. NCERT, जिसे क्या कहते हैं हम, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं परिषद के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संरचना का रूपरेखा को परिमार्जित एवं गुणात्मक स्वरूप 2000 में प्रस्तुत किया गया. इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2000 के नाम से जाना गया. इसी बीच वर्ष 2000 में सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT का प्रभाव समाज में तेजी से इस जगत में पड़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप शैक्षिक जगत में भी कंप्यूटर की नींव पड़ना प्रारंभ हुआ, अति आवश्यक हुआ. इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम की संरचना में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी. वर्ष 2005 में 1986 तथा 2000 के पाठ्यक्रम संरचना के फलस्वरूप इसी क्रम में नई शिक्षा नीति तैयार की गई. 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप